नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ। आज को एक्सपायरी डे है और ये एक्सपायरी डे का चार्ट अभी आपका सामने लाइव चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप स्ट्रांग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप एक फेक कॉल से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। और भी डिटेल में आकर जानकारी लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर देखिए अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। आपका बस एलेक्स ब्लू की तरफ से फ़ोन चला जाएगा, मन में जो भी डाउट है क्वेरीज आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही ज्वाइन होइए। तो चलिए देखते हैं आज को बैंक निफ्टी फ्यूचर का फुल डे का एक परफॉर्मेंस। जैसा ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ था आज को। तो अगर कॉल का बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग का सॉफ्टवेयर में यहाँ पर एक सेलिंग का कॉल दिया था, लगभग 10:10 पे सेल का कॉल बना था। जब भी कोई कॉल बनेगा आपका बस ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा साउंड के साथ, कॉल ढूंढने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है जो क्या ये कॉल सही था, इसमें ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्या क्या कंडीशन देखना है। सबसे पहले सेकेंड कैंडल के लिए वेट करना है, जैसे ही सेकेंड कैंडल ओपन होगा मतलब फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं या नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग वैल्यू पे भी। तो कंडीशन ये है जो सेलिंग का टाइम नीचे का जो रिबन है उसका कलर को रेड होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको रेड दिख रहा है तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन मैच हो गया। सेकेंड कंडीशन मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो कलर पिंक होके नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपका सेकेंड कंडीशन है जो यहाँ पर मैच हो गया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है मार्केट का वॉल्यूम प्रेशर। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग प्राइस के ऊपर बेस करके काम करते हैं, वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। बट वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अगर वॉल्यूम प्रेशर नहीं है तो ये आपका पोजीशन कभी भी फंसा सकता है, क्योंकि प्राइस हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता है। बहुत टाइम प्राइस का मूवमेंट तो होता है बट वॉल्यूम का मूवमेंट नहीं होता है। अब वॉल्यूम में किधर वॉल्यूम है, बाइंग का तरफ या सेलिंग का तरफ, वॉल्यूम पर प्रेशर किधर है। देखिए सेलिंग का जो कॉल बना है नीचे का रिबाउंड रेड है, मिडिल का दोनों लाइन रेड है, ये आपको कन्फर्म कर रहा है। और एक चीज कन्फर्म है, ऊपर में देखिए जो ब्लू एंड रेड टाइप का दो लाइन चल रहा है, दिस इज द अपर चैनल, और ये जो नीचे में जो दो लाइन चल रहा है ये आपका है लोअर चैनल। तो देखिए आज को मार्केट ओपन ही हुआ था अपर चैनल पे, तो एक चीज पता चल रहा है, अपर चैनल मतलब आप इसको ओवरबॉट भी कह सकते हैं। अब मार्केट ओवरबॉट में है मतलब मार्केट नीचे गिरने का चांसेस होता है, तो उस हिसाब से ये जो सेल का कॉल बना था यहाँ पर परफेक्ट कॉल था, क्योंकि ये ओवरबॉट का जोन पे सेल का कॉल क्रिएट हो रहा है तो नीचे आने का चांसेस है। कितना नीचे, ये जो नीचे का जो रेड एंड ब्लू टाइप का लाइन दिखाई दे रहा है दिस वन, तो आपको पता है जो ट्रेंड मैच हो गया, मिडिल का दोनों लाइन मैच हो गया, नीचे तक मार्केट आ जाने का संभावना है तो आप यहाँ पर सेल कर लेंगे। बट जब आपका नोटिस वॉल्यूम प्रेशर का ऊपर जाता है तब आपको पता चलता है जो नहीं, अभी भी जो मार्केट में जो वॉल्यूम है वो बाइंग का फेवर में है, सेलिंग का फेवर में नहीं है, तो ये आपको वॉल्यूम प्रेशर आपको रोक लिया, जो आप यहाँ पर अगर सेल करते हैं तो आपका पोजिशन फंसेगा। तो काफ़ी देर तक देखिए मार्केट साइडवेज कर दिया, तो अगर हम लोग यहाँ पर 10 बजे एंट्री लेते तो 10 बजे से लेके लगभग आप देखेंगे 12-1 बजे तक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था। इसका बाद बना एक बाइंग का कॉल। अब बाइंग का कॉल में नीचे का रिबन आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, मिडिल का दोनों लाइन ग्रीन दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम प्रेशर का तरफ नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा ग्रीन तो दिख रहा है बट लग रहा है जो यहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम उतना साफ नहीं है। और ये जो बाय का कॉल बन रहा है ये लगभग अपर चैनल मतलब मार्केट नीचे आया नहीं, उसका पहले ही बाय का कॉल बन गया, तो ये बहुत सारा चीज यहाँ पर नेगेटिव में है, तो इस टाइप का कॉल में फोकस नहीं करने से बेटर रहेगा। तो अल्टीमेट देखिए थोड़ा देर बाद जाके मार्केट को साइडवेज कर दिया। इस कैंडल पे देखिए दोबारा सेलिंग वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और इस कैंडल पे तो ह्यूजली वॉल्यूम आ गया मार्केट में, ओपन कौन सा वॉल्यूम, नेगेटिव वॉल्यूम। तो इस कैंडल पे आप दोबारा सेलिंग कर सकते हैं, और ये जो गैप आपका था नीचे में देखिए जो रेड एंड ब्लू लाइन मैं पहले ही बताया हूं जो लोअर चैनल है, तो ये इसको फिलअप करने का कोशिश करेगा और ऑलरेडी कर भी दिया। लगभग 60-70 पॉइंट का आप यहां पर बैंक निफ्टी फ्यूचर में आराम से प्रॉफिट कर लिए, बट ज्यादा वेट नहीं करना है क्योंकि रेंज ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो देखिए देखते देखते मार्केट रिवर्स करके अभी थोड़ा ऊपर चला गया बट रेंज वहीं पर खड़ा है। मिडिल का दोनों लाइन अभी भी पिंक है, जो क्रॉसओवर होकर ग्रीन हो जाएगा बाइंग का टाइम तो अभी भी हुआ नहीं है। नीचे का रिबन अभी भी रेड है और वॉल्यूम प्रेशर अभी भी नेगेटिव में है, भले ये कम है प्रेशर बट अभी भी नेगेटिव में ही है, तो मैं यहां पर निकल ही जाऊंगा क्योंकि मार्केट में जो रेंज था ऑलरेडी कवर हो चुका है लोअर चैनल पे।
अगर ये जो सेल का कॉल बना था यहाँ पर, अगर वॉल्यूम प्रेशर सेलिंग के लिए जिस टाइप का वॉल्यूम प्रेशर अभी आपको दिखाई दे रहा है वैसे वॉल्यूम प्रेशर अगर इस सेलिंग में आता तो ये सेल का कॉल यहीं पर ट्रेड करके आपको लंबा प्रॉफिट मिलने का संभावना था। तो इस हिसाब से मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। सॉफ्टवेयर जस्ट एक गाइडलाइन है, सॉफ्टवेयर मतलब ये नहीं जो सॉफ्टवेयर ले लिए डेली पैसा बनेगा, बट एक सही प्रिडिक्शन देगा। अब आपको देखना है जो आपका स्ट्रैटेजी आपको कितना सही प्रिडिक्शन दे रहा है, और अगर प्रिडिक्शन सही होगा तो डिसीजन लेने में लिए भी आपको हेल्प होगा। तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।